इसलिए इस दिन हम 26 जनवरी को रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। रिपब्लिक डे क्यों सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि उस दिन हमारा भारतीय संविधान बना था। ओके, गांधी जयंती, गांधी जयंती सेलिब्रेट ऑन 2nd अक्टूबर, गांधी जयंती जो है वो 2nd अक्टूबर को सेलिब्रेट की जाती है, एंड इट्स द बर्थडे ऑफ महात्मा गांधी, ठीक है। महात्मा गांधी का बर्थडे होता है, एंड महात्मा गांधी वाज नोन एज बापू एंड फादर ऑफ आवर नेशन। महात्मा गांधी को बापू भी कहते हैं और राष्ट्रीय पिता भी कहते हैं, फादर ऑफ आवर नेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो हम सेलिब्रेट करते हैं 2nd अक्टूबर बर्थडे ऑफ महात्मा गांधी। फिर आते हैं रिलीजियस फेस्टिवल्स, ये सारे रिलीजियस फेस्टिवल्स हैं, सच एज दिवाली, दशहरा, क्रिसमस ईद, दुर्गा पूजा, बुद्ध पूर्णिमा, महावीर जयंती एक्सेट्रा, ये सारे रिलीजियस फेस्टिवल्स हैं। यू ऑल नो वेरी वेल दिवाली इज अ फेस्टिवल ऑफ लाइट्स, रोशनी का त्यौहार है, लाइट्स का फेस्टिवल है। क्या हुआ था, भगवान राम जो कि लॉर्ड रामा के 14 ईयर्स का वनवास काट कर अयोध्या वापस आए थे, तो उसकी खुशी में क्या हुआ था, लोगों ने अपने घरों को सजाए थे, दिए जलाए थे, रंगोली बनाई थी, तो ये सारी चीजें। तो इस दिन क्या होता है, सारे लोग अपने घर में दिया जलाते हैं, रंगोली जलाते हैं, अपने घर को डेकोरेट करते हैं, नए नए कपड़े पहनते हैं, एक दूसरे से मिलने जाते हैं, तो ये सारी चीजें दिवाली में करते हैं। ईद, ईद में क्या होता है, 30 डेज फेस्टिव के बाद, ठीक है, 30 दिन क्या होता है, लोग फास्ट रखते हैं, उसके बाद जो 30 दिन के बाद ईद आती है, लोग एक दूसरे से गले मिलते हैं, नए कपड़े पहनते हैं, घूमने जाते हैं। फिर हम आते हैं